कॉलेरा यह एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से कॉज होता है। आमतौर पर दूषित पानी से लोगों में कॉलेरा होता है। कॉलेरा से इन्फेक्टेड लोगों में कॉलेरा के कुछ या कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सीवियर डिहाइड्रेशन और डायरिया देखने को मिलता है। सीवियर केसेस में इमीडिएट ट्रीटमेंट नेसेसरी होती है बिकॉज डेथ कुछ आवर के अंदर हो सकती है अगर नजरअंदाज किया गया तो। मॉडर्न सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट ने कॉलेरा को मोस्ट कंट्रीज में इफेक्टिवली एलिमिनेट किया है। WHO के अनुसार वर्ल्ड वाइड कॉलेरा से 1.3 से 4 मिलियन लोग हर साल इन्फेक्ट होते हैं। 1817 में इंडिया में कॉलेरा से पेंडेमिक आया था जो कि बंगाल रीजन में आया था जो कोलकाता के पास है। वॉर, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स कॉलेरा के फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। यह इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में लोगों को क्राउडेड एरियाज में रहना पड़ता है जो कि प्रॉपर सैनिटाइज नहीं होती है। सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा। मोस्ट पीपल जो कॉलेरा से इन्फेक्ट होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं दिखते या फिर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स दिखते हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अनुसार 10% लोगों में ही कॉलेरा के सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं। कॉलेरा के सिम्टम्स में सडन ऑनसेट ऑफ डायरिया, नॉजिया, ओमिटिंग, माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। कॉलेरा से एसोसिएटेड जो डिहाइड्रेशन होता है वह सीवियर भी हो सकता है। उसमें टायर्डनेस, मुडीनेस, संकन आईज, ड्राई माउथ, श्रिंकल स्किन, एक्सट्रीम थ्रस्ट, यूरिन आउटपुट कम होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, लो ब्लड प्रेशर, यह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण मिनरल्स भी ब्लड में से लॉस हो सकते हैं। उसी कारण की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जिसका फर्स्ट सिम्टम सीवियर मसल क्रैम्प होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शॉक भी कॉज कर सकता है। सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। जो सिम्टम्स अडल्ट में दिखने को मिलते हैं वह चिल्ड्रन में भी होते हैं, बल्कि उसके अलावा सीवियर ड्राउजीनेस, फीवर, कन्वुलजन एंड कोमा भी हो सकता है। कॉजेस ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा यह एक विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से कॉज होता है। यह बैक्टीरिया कॉलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। विब्रियो कॉलेरा सोडियम एंड क्लोराइड के नॉर्मल फ्लो को इंटरफेयर करता है एंड इंटेस्टाइनल वॉल के साथ बाइंड करता है। जब विब्रियो कॉलेरा इंटेस्टाइनल वॉल के साथ बाइंड करता है तब हमारी बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सिक्रेट करना शुरू करती है जिसकी वजह से डायरिया एंड रैपिड फ्लूइड एंड सॉल्ट्स का लॉस होता है। कॉलेरा इन्फेक्शन के सोर्सेस में दूषित पानी पीना, दूषित पानी से बनाया हुआ खाना, यह कॉलेरा के प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। रॉ और अंडरकुक सी फूड खाना जैसे सेलफिश, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना कॉलेरा पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ कॉलेरा। अनक्लीन कंडीशन जैसे पुअर सैनिटाइजेशन वाली प्लेसेस एंड कंटेमिनेटेड वाटर। लो लेवल ऑफ स्टमक एसिड। कॉलेरा बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करता है, इसलिए जब स्टमक का एसिड कम हो तो कॉलेरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप ओ ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों में सीवियर इलनेस देखने को मिलता है। डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा। जब आपको कॉलेरा के सिम्टम्स हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। वह स्टूल सैंपल्स में बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करते हैं और डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेरा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो कि वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं, अदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इंट्रावेनस फ्लूइड रिहाइड्रेशन, एंटीबायोटिक, जिंक सप्लीमेंट। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा में इन्फेक्शन होने के 2 आवर्स बाद डेथ हो सकती है। जब कॉलेरा अनट्रीटेड हो तो सीवियर डिहाइड्रेशन से 6 to 12 आवर्स में डेथ हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन एंड शॉक यह कॉलेरा के मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ लो ब्लड शुगर, लो पोटेशियम लेवल एंड किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉलेरा। बार बार हाथ धोना, टीथ ब्रश करने के लिए और खाना बनाने के लिए बॉइल्ड वाटर यूज करना। जब आप वाटर को बॉइल नहीं कर सकते तब उससे क्लोरीन प्रोडक्ट और ब्लीच से ट्रीट करना। डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना। इस वीडियो में हमने देखा कॉलेरा क्या है, उसके सिम्टम्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।